जो काम लेना मनुष्य जन्म बेकार है, चेतन से तकरार है, जड़ से करता प्यार है, बुद्धि से जो काम लेना मनुष्य जन्म। यह भजनी तन्यो कह दे सासू ने पानी मांगा के बिनोले खाए थे आऊं और लोटा ठाक मंदिर में चली जाऊ पत्थर न पानी प्याण ओके पीवगा, ऐसा ये भजनी सुना देते। लेकिन वास्तविक घटना है, ये वास्तविक घटना है, सच्ची घटना है। वो मंच पर बोलते हैं, वो थोड़ा सा मजाक रूप में दूसरे रूप में ले लेते हैं। उनको क्या चाहिए, उनको थोड़ा सा साफ सुथरे कपड़े पहना दो, उनको थोड़ी सी तरीदार सब्जी ताजी और ताजी रोटी दे दो, उनको और क्या चाहिए बेचारों को, कुछ नहीं चाहिए उनको। उसी के ऊपर ये झगड़े हैं बस सारे। बोले प्राणी सोच जरा तू किसकी पूजा करता है, किसकी पूजा करता है। बोले प्राणी सोच जरा तू किसकी पूजा करता है, किसकी पूजा करता है। धूप दीप फल मेवा आदि किसके आगे धरता है, किसके आगे धरता है। धूप दीप फल मेवा आदि किस, ओ सुंगगा वो सांस तो नहीं ले, उसका आगा धर जो सांस ले है, उसका आगा धर जो लप दे ही खा जा। तेरा धरना बेकार है, वो खाने में लाचार है, बुद्धि से जो काम लेना मनुष्य जन्म बेकार है, चेतन से तकरार है, जड़ से करता प्यार है, बुद्धि से जो काम लेना मनुष्य जन्म बेकार है। सतचित आनंद रूप प्रभु का वेदों ने बतलाया है, वेदों ने बतलाया है। सतचित आनंद रूप प्रभु का वेदों ने बतलाया है, वेदों ने बतलाया है। नस नाड़ी के बंधन में वो नहीं गर्भ में आया है, नहीं गर्भ में आया है। नस नाड़ी के बंधन में वो नहीं गर्भ में आया है, नहीं गर्भ में आया है। ईश्वर निराकार है ना मंदिर में गिरफ्तार है, बुद्धि से जो काम लेना मनुष्य जन्म। पंडित ने कहा भगवान तो सो गया, जाए ताला ला दिया मन। सच्ची बात है ये, वो तो कण कण में है, उसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई शकल नहीं, वो चेतन है। और चेतन को चेतन की ही पूजा करनी चाहिए। इसीलिए हम लूट रहे हैं, पिट रहे हैं। सीता कृष्ण राधे स्वामी है वो सीता राम नहीं, है वो सीता राम नहीं। राधा कृष्ण सीता राम है वो राधे श्याम नहीं, है वो राधे श्याम नहीं। जहाँ होते ये तैयार हैं वो जयपुर के बाजार हैं, बुद्धि से जो काम लेना मनुष्य जन्म बेकार है। दुनिया को ठग करके खाना तेरा अच्छा काम नहीं, तेरा अच्छा काम नहीं। दुनिया को ठग करके खाना तेरा अच्छा काम नहीं, तेरा अच्छा काम नहीं। शिव पार्वती राधे कृष्ण है वो सीता राम नहीं, है वो सीता राम नहीं। जहाँ होते ये तैयार है वो जयपुर के बाजार है, बुद्धि से जो काम लेना मनुष्य जन्म बेकार। जो मूर्तियां मानव ने बनाई उस पर भोग लगाते हो, उस पर भोग लगाते हो। गलत बात है, सच्ची है, हैं? जो मूर्तियां मानव ने बनाई उस पर भोग लगाते हो, उस पर भोग लगाते हो। जो मूर्तियां ईश्वर ने बनाई ठोकर से ठुकराते हो, ठोकर से ठुकराते हो। जो मूर्तियां ईश्वर ने बनाई ठोकर से ठुकराते हो, ठोकर से ठुकराते। कहे चूड़े और कहार हैं इन्हें छूना बेकार है,
बुद्धि से जो काम लेना मनुष्य जन्म बेकार। उनको अछूत मान लिया कि इनको मत छू। वो मैला ढोते थे, वो मांस खाते थे, वो गंदगी ढोते थे, इसलिए कहते थे कि डाठा मार लिया करो जब ये आए ना उनको भी तुम, क्योंकि तुम्हारे मुंह से स्मेल आएगी। लेकिन आज एक ब्राह्मण भी मीट बेच रहा है, एक जाट भी मीट खा रहा है, तो अछूत जाट भी हुआ, अछूत ब्राह्मण भी हुआ। इसलिए क्योंकि वो चौथा वर्ण था, वो सेवा का काम करता था। एक वर्ण था विद्या देने वाला, एक वर्ण था व्यापार और कृषि का काम करने वाला, एक वर्ण था सीमाओं की रक्षा करने वाला, और एक वर्ण था सेवा, इन तीनों की सेवा करने वाला। चार ही वर्ण थे। और आज हमने इन, अब होली का जो पर्व था ना, उसमें सभी एक गोरे के ऊपर बड़ा हवन करते थे और उस हवन में खल डालते थे ताकि वर्षा ना हो। खल की आहुतियाँ देने से वर्षा को रोका जाता था ताकि फसलों को नुकसान ना हो। और वहाँ पर बाल भून करके लाते थे, पके हुए चने को, पके हुए अनाज को जब खाते तो हमारा कफ बाहर निकलता है, इसलिए इसको होलक बोलते, होलक, होली, जो चना भुना जाता है उसको होलक बोलते हैं। नमक डाल ले शेरनी, पता मारेगी। खाली खाली फीका पानी देना था ना। तो ये ओलक का त्योहार था। अब तुम लोगों ने कितने जीव फूके। मेरे को एक बहन कहने लगी, मैं सन सिटी में गई और मेरे तो बहुत